So good morning all of you. Good morning, sir. So we are very lucky that Ankit is with us, and in today's class Ankit will be explaining everything about inflation, how share prices are influenced by inflation, and how to combat inflation. But before that, I want to give you a small information about what is the एसेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कि एनी कंपनी, कोई भी जो कंपनी होती है ना, वो क्या चाहती है कि उसके शेयर्स के वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े पब्लिक के बीच मार्केट में, है ना. तो थोड़ा सा ये रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एसेंस क्या है, कि व्हाट इज द एम, व्हाट इज द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइजेशन, इजंट इट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. अब जब आप हायर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें दिया भी हुआ है कि इसको बोलते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और एक और कंसेप्ट की बात होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसी प्रकार है कि जैसे कहानी आप सबों ने सुनी होगी कि पहले एक गाँव में एक किसान था, उसके पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी. तो किसी ने समझाया कि भाई रोज जो एक एक अंडा मुर्गी दे रही है उसका पेट चीरो, सारे अंडे एक साथ निकाल लो, इज़न्ट इट. तो उसने वही किया, मुर्गी कमबख्त मर गई. तो मैंने कोई मैनेजमेंट की एक बुक पढ़ी थी, उसमें यही कहानी समझाई गई थी इस प्रकार से कि पीसी इज इक्वल टू पी. नाउ व्हाट इज पी, पी रेफर्स टू प्रॉफिट एंड पीसी रेफर्स टू प्रॉफिट सेंटर. व्हाट इट इज, प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर स्पेलिंग ठीक है, सी एन पी टी, क्या होता है कि आर ई होता है, टी आर, ठीक है, प्रॉफिट सेंटर. ये हम लोग इंडियंस को बड़ी कंफ्यूजन होती है सेंटर में, सी एन टी आर ई की सी एन टी ई आर, है ना. चलो नो टेंशन. तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग केवल प्रॉफिट पे फोकस करेंगे और इसका केयर नहीं करेंगे उस प्रॉफिट सेंटर का, तो फिनिश्ड. You understand? तो केयर किसका करना है, अगर प्रॉफिट सेंटर का केयर करेंगे तो प्रॉफिट होती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है. अब इस फैक्ट्री में मान लो 8 घंटे फैक्ट्री चल रही है और 8 घंटे काम करके जो ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री है मान लो 20 लाख प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं. अब वो अगर अपना प्रॉफिट डबल करना चाहते हैं तो पता चला कि डे शिफ्ट के अलावा नाइट शिफ्ट में भी काम शुरू हो गया कि 8 घंटे रात को भी फैक्ट्री चल रही है और वर्कर्स, वही वर्कर्स अगर जिनको काम करना है लालच दिया गया कि आपको डबल पेमेंट मिलेगा आप काम कीजिए, तो लास्टली क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो मशीनें खराब हो जाएंगी ओवर वर्क के चलते, ओवर फटीक के चलते वर्कर्स थक जाएंगे. तो ठीक है, एक आध साल के लिए तो प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होगा, उसी मुर्गी की तरह फैक्ट्री अंडर परफॉर्म करके खत्म हो जाएगी. सो बेटर क्या रहता कि अगर ओनर इस 20 को इस तरह से मैनेज करते कि और फैक्ट्रियां लगाते, एक से दो फैक्ट्री बनाते, दो से चार बनाते और उससे फिर जो प्रोडक्शन उस तरह से चलता, तो प्रॉफिट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यही एम है. तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी कैसे करती हैं, तो वो क्या चाहती है कि उनका वेल्थ बढ़े. इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और प्रॉफिट में भी बहुत सारी थ्योरीज है, कौन सा प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या नेट प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किस प्रॉफिट की बात होती है, तो नॉट वेरी श्योर. तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ पता कैसे चलेगा, ये पता चलता है, देखो ये पता चलता है बाई इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ
इक्विटी शेयर्स, राइट? एम आई राइट? अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर का बढ़ेगा ना, तो समझो कि जो शेयर होल्डर हैं, जो ओनर हैं, उनका वेल्थ बढ़ रहा है. यस yes? तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्लान्स करती है एक्सपैंड करने का, ग्रोथ का. और एक चीज और जान लो, बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ेंगे एक वो कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है कि किसी भी बिजनेस का क्या गोल होता है, केवल प्रॉफिट गोल नहीं होता है. जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तीन लेयर में रहते हैं. सबसे पहले होता है कि हाउ टू यू नो हाँ हाउ टू बी श्योर फुटेड इन द मार्केट, हाउ टू गेट अ स्टैंड इन द मार्केट, मींस योर सर्वाइवल. सो पहला गोल होता है सर्वाइवल का, द फर्स्ट गोल इज सर्वाइवल. सेकेंड है प्रॉफिट, और थर्ड गोल है ग्रोथ. अब इन इस टारगेट को लेते हुए कंपनीज को काम करना पड़ता है. तो अब आई एम हैंडिंग ओवर द क्लास टू अंकित. मैंने तो ये थ्योरी की कहानियां सुना दी, नाउ अंकित विल बी एक्सप्लेनिंग यू वेरी नाइसली कि कैसे यू नो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बाय रजिस्टरिंग इटसेल्फ इन द स्टॉक एक्सचेंज, हाउ कंपनीज इशू शेयर्स, एंड व्हाट्स द एंटायर गेम ऑल अबाउट. यू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज एबल टू मीट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय द मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग शेयर्स इन द मार्केट. You understand? So survival, profit and growth. So Ankit, class is all yours. Yeah. Thank you. चलिए within 2 minutes quickly कल का revision करते हैं एकदम speed में. Inflation क्या है? Simple 5% अगर inflation है, मतलब 5% के speed से, 5% के रफ्तार से आपके आपके country में goods and services की जो value है वो बढ़ती जा रही है. अब प्राइस, हाँ प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस वैल्यू प्राइसेस एक ही है, ठीक है, वैल्यू बढ़ते जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये हो गया. एक चीज और कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 10,000 रुपीज आपको आज दिया जाए या 3 साल बाद, क्या प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स आज प्रेफर करेंगे. सिंपल रीजन, 3 साल के बाद वो जो 10,000 की वैल्यू है उसकी वैल्यू खुद ब खुद गिर जाएगी. हो सकता है 10,000 रुपए से ही आप 9,500 का सामान ले पाए अगले 3 साल में. इसलिए जितना जल्दी हो सके उस 10,000 को आप सोचेंगे कि यार ये एक्सपेंस या फिर ये इन्वेस्टमेंट में चले जाए या फिर खर्च हो जाए. ठीक, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट मैंने कल पूछा था, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट आप तब करते हो जहां पे आपको एक होप हो कि ROI आपके पास आ रहा है कि नहीं. इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जहां से एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसे जगह पे आप कुएं में जाके पैसा थोड़ी डाल देंगे, कुछ नहीं आने वाला वहां से. ROI जहां से आपको लगता है कि एक हेल्दी रिटर्न वहां से बन सकता है, वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. एंड दिस इज द सोल पर्पस ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आइडियाज पे जब आते हैं तो हमने बोला था, 4 पिलर्स बात किया था कि जहां पे हम पैसा, जनरली इंडियंस का जो मेंटालिटी है कि हम पैसा लगाते हैं, आप बताओ. पहला गोल्ड, ठीक है, दूसरा FD, ठीक है, तीसरा, चौथा, वेरी गुड, ठीक. बैंक FD से हमने कंपैरिजन किया था कि बैंक FD में पैसा, ठीक है, सिक्योर रहता है, कुछ पोर्शन करना भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा रिस्क ले सकते हो. कुछ पोर्शन, लेट्स सपोज आपके पास 1 CR का कॉर्पस है, उसका 10%, 10 लाख या 15 लाख, 20 लाख तक आप FD कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन वो इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगा, बट स्टिल FD होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. तो जहां पे आपको एक हेल्दी अमाउंट मिलता है उसका एक पोर्शन आपको जरूर FD में भी लगाना चाहिए. लेकिन क्या वो पर्पस सॉल्व करेगा? इन्फ्लेशन 6% है, FD में भी 6% मिल रहा है, हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं. इसलिए FD से थोड़ा सा बचे. ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा लगा दें, बट हाँ कुछ पोर्शन, 10% 15% ऑफ योर एंटायर कॉर्पस आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हो. फिर उसके बाद हमने बात की थी गोल्ड की, कि लोग गोल्ड से थोड़ा क्यों बचे. गोल्ड में अगर आपने टाइमिंग पिक कर लिया, ठीक है, अगर आपने टाइमिंग पिक कर लिया तो पैसा बन जाएगा. टाइमिंग पिक नहीं किया तो मैंने आपको दिखाया था कि 2013 से लेकर 2018 तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, कुछ खास रिटर्न नहीं बना. और गोल्ड में रिटर्न कब बनता है? कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन अगर ग्लोबली हो रहा है, ठीक है, उसी समय पे सिर्फ गोल्ड का परफॉर्मेंस आता है. तो आप यूं कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट
प्लस गोल्ड एक साथ ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। एक लार्जर ट्रेंड की बात कर रहा हूं, एक दिन की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि आज मार्केट भी ऊपर हो, गोल्ड भी ऊपर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक लार्जर पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ऊपर नहीं जा सकता, साथ साथ स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि यार स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि पैसा, इसी को कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं पैसा शिफ्ट करते हैं अपना। जब उनको दिखा कि यार कोविड आ रहा है, कुछ वैसा इशू है, ठीक है, स्टॉक मार्केट गिरा, गोल्ड बढ़ा, क्लिक करेगा आपके माइंड में तुरंत कि यार जितने भी HNIs थे, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स थे, जो FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े थे, जिनका लाखों करोड़ों का पैसा डला हुआ है, वही लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, जिस कारण से मार्केट नीचे आ रहा है। और उसी वक्त जब आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, उन्हीं का पैसा सेक्टोरल शिफ्ट लेता है, प्लेस टू प्लेस विद टाइम, एक्चुअल टाइमिंग की बात है यहाँ पे सब कुछ, ठीक, यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद अब हमने बात की थी कि वाई स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, मैंने बताया बहुत सारे स्टॉक्स हैं बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, मतलब मैंने अगर मेरा पर्सनल पूछो, मैंने बताया था 15% मैं टारगेट करता हूँ, सिंपल 15% मिल गया यार बहुत है, कैपिटल बड़ा होता है ना 15% में बहुत है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, आप अगर और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, आप अच्छी और स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो एक एक साल में 100% रिटर्न बनाए हैं। अब वो वैसा सेक्टर पिक करते हैं, वो टाइमिंग सोचो कितना परफेक्ट टाइमिंग होता है उनका पिक करने का, एक साल में 100% 200% रिटर्न मिलता है, पॉसिबल। मतलब आपको स्टॉक मार्केट इज अ टूल जहां पे इन्फ्लेशन बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है, 5-6% अगर इन्फ्लेशन है और अगर आपने 15-20% बना लिया यार, और कुछ भी नहीं चाहिए, और आप ज़्यादा आप टाइमिंग दे रहे हो, मार्केट का ज़्यादा नॉलेज है, 100% रिटर्न बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। साल की मैं बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल में 100% ROI कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कंपनीज ने परफॉर्मेंस दी है वैसे, ठीक। अच्छा, एक मैंने बात की थी विप्रो के बारे में, बताया था विप्रो ने 10,000 rupees 40 साल पहले को कन्वर्ट कर दिया 741 crore में, पॉसिबल है। मतलब देखो, फिर वही बात आती है ना कि कितने लोगों ने बनाया, मुझे नहीं लगता हार्डली किसी ने बनाया होगा, कोई 2-3 साल 5 साल में ही निकल जाते हैं, लेकिन जो बैठे उनका बना, मतलब पोटेंशियल तो है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कि आप कितना देर तक उसको होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में वो पूरी तरह से पोटेंशियल है कि आपको एक अच्छा रिटर्न बन सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आते हैं दूसरे स्लाइड पे जो हमारा आज का है, स्टॉक मार्केट। मैंने बोला था स्टॉक मार्केट क्या है, कल मैंने पूछा था स्टॉक मार्केट क्या है, बाइंग सेलिंग होती है, तो बाइंग एंड सेलिंग आप ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बाय सेल होता है, सिंपल। स्टॉक मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करता है कंप्लीटली, एक क्लिक में बाय एक क्लिक में सेल, सिंपल। व्हाट इज अ शेयर, शेयर क्या होता है, कंपनी का एक हिस्सा, जिसके बाद जो एक हिस्सा आप किसी को देते हो और उसके बदले में आप उस व्यक्ति से पैसे रेज करते हो, वो पैसे से आप फिर अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। फिर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जब पैसा ही चाहिए तो फिर किसी और से क्यों लेना, बैंक से क्यों नहीं ले सकते हैं, रिटर्न, ये ब्याज जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक वो बहुत ह्यूज होता है, प्लस कंपनीज को 1-2 crore रेज नहीं करना है। अभी रिलायंस को एक नया प्लांट अगर खड़ा करना है, 1 crore में हो जाएगा, उसको 1,000 crore रुपए लगेंगे। पहली चीज, बैंक इतना लोन जल्दी नहीं देती है, बहुत सारे स्कैम्स फ्रॉड्स होते हैं, इनकेस दे भी दी फिर कंपनी के यार दिमाग में रहता है यार अभी प्रॉफिट बना है कि बैंक को ब्याज चुका है, तो एक प्रेशर रहता है, इस कारण से वो प्रिफर करते हैं चलो स्टॉक मार्केट से ही रेस किया जाए। अब स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस मैंने बताया था इंडिया में तो 20-25 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, हर स्टेट में ही आपको स्टॉक एक्सचेंजेस मिलते थे। फिर जब देखा गया कि यार कहीं कम काम हो रहा है, कहीं ज्यादा काम हो रहा है, तो उसको एकदम क्लब करके 2 जगह भी फिलहाल के लिए कर दिया गया है, जहां पे बहुत हाईली ट्रेडिंग होती है, मतलब करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग मिनट्स में हो रही है, इतना हाई वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता है। कहाँ कहाँ पे, इंडिया में 2 exchanges हैं, बताओ, BSE NSE का फुल फॉर्म, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में 4,000 कंपनीज लिस्टेड है, ऊपर ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ये, और NSE में 2,000 कंपनीज आपको मिलेंगे। अब यही मैंने बताया था
कल अगर मैं किसी से पूछूं कि यार इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म किया, सिंपली अगर मैं कल पूछूं कि इंडियन मार्केट कल का परफॉर्मेंस इंडिया का कैसा था, एनएसई का कैसा था या बॉम्बे का कैसा था, चलो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 4000 कंपनीज का डिटेल बता पाए। इसलिए उसका एक बेंचमार्क बना दिया गया। एक एक छोटा सा एग्जांपल लो, क्लास में अगर एक बच्चा है जो कभी जिंदगी में होमवर्क नहीं बनाता और उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, तो आप एक बेंचमार्क तो सेट कर सकते हो ना कि अगर इस बच्चे ने आज होमवर्क बना लिया होगा, मतलब पूरा क्लास बना लेता है। अगर इस बच्चे से वो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसे एक साल से कभी कोई क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं किया, लेकिन अगर आज इसने सॉल्व कर दिया, आप कह सकते हो ना कि अगर इससे बन गया तो क्लास के तो सबसे बन गया होगा। नॉट नेसेसरी कि क्लास के सबसे बन ही गया होगा, ठीक है, लेकिन एक बेंचमार्क हम सेट कर देते हैं। ठीक उसी तरह इंडेक्स काम करता है। एक इंडेक्स हमारे कंट्री में दो इंडेक्स है मेजरली, निफ्टी सेंसेक्स। निफ्टी 50 कहते हैं, सेंसेक्स 30 कहते हैं। निफ्टी 50 में एनएससी के साइड का जो एनएससी के अंदर 2000 कंपनीज है उसमें से टॉप 50 कंपनीज बनाता है निफ्टी 50। सेंसेक्स के अंदर जो टॉप 30 बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 4000 कंपनी है उसका एक इंडेक्स बना दिया गया है भाई सेंसेक्स, जिसका नाम है सेंसेक्स 30। मतलब वो जो बीएसई के अंदर टॉप 30 कंपनीज जो है उसको उठाकर एक इंडेक्स बना दिया गया है कि मैं अगर सेंसेक्स को सिर्फ देख लूं तो मुझे एक आइडिया लग जाए कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक उसी तरह अगर मैंने निफ्टी देख लिया तो एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पता चल जाता है, सिंपल। अगर जैसे आप मेरे से पूछो कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म था, तो कल जो मार्केट क्लोज हुआ है वो निफ्टी में 34 पॉइंट्स प्लस होकर क्लोज हुआ, तो मैं ओवरऑल तो कह सकता हूँ हाँ यार ठीक ठाक ही परफॉर्म था, क्लोज ग्रीन में रहा, इतना वैल्यू था, इतना ये था। हर एक स्टॉक का बताना इट इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं कि अगर हमारे मार्केट में ऐसा है इंडेक्स, तो क्या औरों के मार्केट में भी है? मतलब कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यार अमेरिकन मार्केट कैसा परफॉर्म किया, तो वहां पे भी इंडेक्स होगा, कोई तो इंडेक्स होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हमारे यहाँ इंडेक्स है तो अमेरिकन मार्केट का भी तो कोई इंडेक्स होगा। उनके इंडेक्स का नाम है डाउ जोन्स। जोन्स अगर छोड़ भी दो तो हम लोग कहते हैं डाउ, डाउ, डाउ का वैल्यू क्या है, डाउ भी उसका कहते हैं डाउ 30। मतलब वो भी यूएस मार्केट की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें आपको गूगल, एमेजॉन, फेसबुक का नाम मेटा हो गया है, ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी डाउ के अंदर। डाउ देख लो यार, अगर मुझे आज देखना है अभी कि यार अमेरिकन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं स्टॉक्स थोड़ी देखता हूँ कि गूगल कितना चल रहा है, फेसबुक कितना चल रहा है, सिंपल देखो डाउ। डाउ इज एवरेज ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ यूएस मार्केट। इसी तरह आपको जर्मनी का देखना है, जर्मनी का मार्केट कैसा चल रहा है, उनके यहाँ भी इंडेक्स है डैक्स, DAX, ठीक है, जर्मनी का इंडेक्स है, डैक्स देख लो, सिंपल इंडेक्स है और कुछ नहीं, एक इंडेक्स बना दिया गया है टॉप कंपनीज, पूरा नहीं। याद रखिएगा, अगर डाउ पॉजिटिव है और डाउ के अंदर मैंने बताया 30 कंपनीज मौजूद है, दैट डजंट मीन कि डाउ के अंदर जो, अगर डाउ पॉजिटिव है तो सारी की सारी 30 कंपनीज पॉजिटिव है, ये नहीं होता है। इट इज जस्ट एन एवरेज। हो सकता है कि जो 30 कंपनीज है उसमें से 20 कंपनीज नेगेटिव हो, 10 कंपनीज पॉजिटिव हो, लेकिन डाउ पॉजिटिव क्यों दिख रहा है? क्योंकि सब स्टॉक्स का वेटेज अलग है। वेटेज मतलब कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे लेट सपोज किसी, अभी जैसे टर्की में आ गया अर्थक्वेक, ठीक है, मुझे पैसे रेस करने हैं उनके लिए, हमने पैसे रेस करना शुरू किए। जरूरी है कि सब लोग 1000 रुपये ही देंगे? कोई 10,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 1,000 देगा, कोई 100 रुपये देगा, लेकिन जिसने 10,000 दिया उसका तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। ठीक उसी तरह हर इंडेक्स में जो टॉप स्टॉक्स मौजूद है ना, उनका वेटेज अलग अलग है। तभी अगर हम निफ्टी ट्रेड करते हैं, निफ्टी भी ट्रेड होता है, ये बात जान लो, ठीक है, निफ्टी पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना है ना, तो हम क्या देखते हैं, कुछ लोग क्या है जिनको उतना आइडिया नहीं है, वो क्या करेंगे, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का चार्ट खोल के बैठे रहेंगे। जब हम निफ्टी ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो निफ्टी के अंदर टॉप, एक तो वो उसके अंदर खुद टॉप 50 कंपनीज है, उसमें भी जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है हम उनका चार्ट भी खोल कर रखेंगे। लेट्स सपोज रिलायंस का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में बहुत ज्यादा है, मतलब रिलायंस के बढ़ने या गिरने से निफ्टी के वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अगर रिलायंस 100 पॉइंट ऊपर हो गया ना, निफ्टी हाई चांस है कि वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, समझ रहे हो बात। और एक छोटा कंपनी ले लो ONGC, सरकारी कंपनी है,
5% बढ़ भी जाए फर्क नहीं पड़ता, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना है ही नहीं। ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा डेटा, गूगल मारिएगा ना आपकी निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज कितना कितना है, आपको इन्फोसिस मिलेगा वेटेज ज़्यादा है उसका, HDFC बैंक मिलेगा, SBI मिलेगा, प्रोटेक मिलेगा, रिलायंस मिलेगा, इन सब का चार्ट खोल के देखो ना, इन्हीं चार पांच सबसे मतलब है, बाकी तो हिल रहे हैं डुल रहे हैं उससे निफ्टी उतना लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा ये कहना है कि अगर ये पांच कंपनी जो टॉप मैंने बताया ये पांच कंपनी अगर डाउन है ना, हाई चांस है कि निफ्टी डाउन हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी जो 45 कंपनीज है वो पॉजिटिव है। समझ रहे हो बात, निफ्टी के अंदर जो टॉप 5 कंपनीज है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है अगर वो डाउन चल रही है, उनके शेयर्स गिरे हुए हैं और बाकी के 45 के शेयर्स बढ़े हुए हैं, ठीक है, फिर भी निफ्टी डाउन हो दिखेगा आपको, बात समझ रहे हो, निफ्टी आपको तभी भी डाउन दिखेगा क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनके गिरने या बढ़ने से निफ्टी में फर्क पड़ता है। अभी ONGC 20% ऊपर चल जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला, ONGC 20% ऊपर चल जाए, रिलायंस अगर 5% भी गिर गया ना, बस निफ्टी लेके नीचे आ जाएगा उसको, ठीक है। ऐसे ही इंडेक्सेस काम करता है हर जगह का, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सबका इंडेक्स आपको ऐसे मिलेगा। तो अमेरिका का हो गया डाउ, जर्मनी का हो गया डैक्स, जापान का हो गया निक्की NIKKEI निक्की, सिंगापुर का हो गया SGX निफ्टी। अब आपको लगेगा यार इसमें SGX निफ्टी क्यों है, सिंगापुर का मार्केट कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। तो होता क्या है, हमारा जो इंडेक्स है हमारा जो निफ्टी है वही ट्रेड होता है सिंगापुर में, टाइमिंग चेंज है बस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा देर तक खुला रहता है, हमारा मार्केट बहुत छोटे समय के लिए खुलता है बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ही निफ्टी है जो वहां ट्रेड हो रहा है, तो हम लोग कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि अगर हमारा निफ्टी वहां ट्रेड हो रहा है और हमारा मार्केट बंद हो गया तो वो किस बेसिस पर काम कर रहा है, जब हमारा ही निफ्टी वहां ट्रेड कर रहा है और हम ही बंद हो गए, हमारा मार्केट टाइम खत्म हो गया, तो टाइम खत्म होने के बाद आखिर SGX निफ्टी जो है सिंगापुर का वो किस बेसिस पर चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो देखता है ग्लोबली क्या हो रहा है। ग्लोबली अगर कोई इवेंट हो गया 8 बजे रात में तो आपको सिंगापुर निफ्टी में SGX निफ्टी में इफेक्ट दिखेगा, अपना मार्केट तो बंद है, हम तो सुबह उठेंगे तब पता चलेगा हार्ट अटैक आने वाला है कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही काम करता है इंडेक्सेस, क्लियरली एकदम ऐसे ही काम करते हैं, इसी को कहते हैं इंडाइसेस। अब क्या है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो ट्रेडिंग को और स्मूथ बनाने के लिए छोटे छोटे और इंडेक्सेस बना दिए गए हैं। लेट सपोज अगर मैं ये कहता हूं निफ्टी फार्मा, फार्मा रेफर्स टू मेडिसिन, तो जितने भी मेडिकल जो कंपनीज फार्मा से रिलेटेड है उनका एक इंडेक्स बना दिया गया है निफ्टी फार्मा। आपको देखना है कि फार्मा कंपनीज कैसा परफॉर्म की, इंडियन मार्केट की फार्मा कंपनीज कैसा परफॉर्म की, निफ्टी फार्मा देख लो। वैसे निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है, मतलब इसको सेग्रीगेट कर दिया गया है, निफ्टी बैंक देख लो, पता चल जाएगा कि इंडियन मार्केट की बैंकिंग सेक्टर आज कैसा परफॉर्म की, इतना स्मूथ कर दिया गया है सब चीज को। नॉट ओनली कि इंडियन मार्केट में, आपको वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में इस टाइप के इंडेक्सेस मिलेंगे, सिंपल मतलब एक क्विक लुक एक बार में देखो और आपको पता चल जाए वैसा वाला, ठीक है। इंडेक्स समझ में आ गया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ 51:49। 51% जो स्टेक होता है ना, कोई भी कंपनी ज्यादातर कोशिश करती है कि मेरी कंपनी का एटलीस्ट 51% हिस्सा मेरे पास रहे। 51% से अगर नीचे गया तो आपके पास मेजॉरिटी कम होने लगती है। अब मैं इसको एक इलेक्शन के तौर पे दिखाता हूं, कोई इलेक्शन में खड़ा होता है उसको क्या चाहिए, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी गया तो गेम ऊपर नीचे होगा और आपकी सरकार चली जाएगी, ठीक। उसी तरह कंपनीज में ऐसे होता है, स्टीव जॉब्स एप्पल के थे, आप उनके बारे में पढ़िएगा, उनको उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, क्यों, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी स्टेक कम हो गई थी। फिर जब कंपनी की बैंड बजनी शुरू हुई तो हाथ पैर जोड़ के वापस उनको बुलाया गया कि सर हमने तो बर्बाद कर दिया, अब आप आइए कुछ देखिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वैसे ही होता है जब आपके पास 51% जो स्टेक है, 51% मेजॉरिटी मार्क्स से अगर आप नीचे जाते हो तो एक डर बना रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनीज हर कंपनी 51% स्टेक अपने पास रखती ही है। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट दो लोगों ने शुरू किया था, सचिन बंसल, बिनी बंसल।
आज उनके पास शायद 2-3% हिस्सा है फ्लिपकार्ट का बस। और जब वो उनके पास अब तो उन्होंने वॉलमार्ट को बेच दिया, जब उनके पास था फ्लिपकार्ट उस वक्त भी लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि 12-13% ही हिस्सा था। छोड़ो ना तब पुरानी बात, मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। पेटीएम, पेटीएम के जो सीईओ है विजय शेखर शर्मा, उनके पास पेटीएम का सिर्फ 14% है, 14। मतलब अगर कोई चाह ले तो उनको उनकी ही कंपनी से निकाला जा सकता है, इनकेस किसी को दिखे कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। निकालने का किसी को शौक नहीं होता है, निकालने का बस ये रीजन है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मैं किसी और को ला सकता हूं जो परफॉर्म कर सके, जो मेरा पैसा बना सके। मैंने बताया ना पैसा बनने से मतलब है, और लोगों को ऐसे ही मतलब इन्वेस्टर्स बस वही चाहते हैं कि पैसा बने, सिंपल। तो विजय शेखर शर्मा खुद की कंपनी पेटीएम, स्टेक कितना है 14%। तो मैं आपको बताता हूं जो बिलीनियर्स दिखते हैं ना आपको, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बड़े बड़े जो बिलीनियर्स हैं, अडानी, ठीक है, इनकी जो नेटवर्थ होती है, नेटवर्थ जो बिलियंस में कैलकुलेट होता है, वो पैसा इनके पास किस फॉर्म में होता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? स्टॉक शेयर्स के फॉर्म में रहता है। कैश के फॉर्म में क्यों नहीं? क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा वो शेयर्स खरीद के रखे हुए रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट, गुड। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज 100 बिलियन डॉलर्स है, तो क्या ये 100 बिलियन डॉलर्स उनके बैंक में पड़ा हुआ है क्या? कैश नहीं होता है, सब हवाबाजी है, ठीक है। मैं अभी आपको 2 मिनट में बता दूंगा, सब हवाबाजी, दिखता है ना इतना पैसा, ये है वो है, स्टॉक मार्केट गिरेगा ना बैंड बज जाएगी। अभी आपने एक लेटेस्ट डेटा देखा होगा, गौतम अडानी दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट आदमी थे, सेकेंड, ठीक है, एक सप्ताह में आउट ऑफ 20 हो गए थे, 1 वीक। सब हवाबाजी है, पैसा नहीं होता है बैंक अकाउंट में, किसी के पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा है, सारे शेयर्स के फॉर्म में होते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या फायदा है कैश के फॉर्म में रखने से और शेयर के फॉर्म में रखने से। कैश के फॉर्म में रखोगे दुनिया भर का टैक्स लग जाएगा, आप क्या कमाओगे? सरकार कमाएगी। जब आप शेयर्स के फॉर्म में रहते हो तो आपके पास 10 तरीके होते हैं टैक्स बचाने के, इसीलिए लोग शेयर्स के फॉर्म में रखते हैं। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि यार मेरा धंधा सही चले, धंधा ऊपर नीचे गया, इन्वेस्टर्स फट से पैसा निकालेंगे शेयर से, शेयर गिरा आपकी नेटवर्थ गिरेगी, फिर कहाँ 2 नंबर और कहाँ 20 से बाहर, ठीक है। एक और डेटा आपको मैं देता हूँ, 2020 जब कोविड था, गौतम अडानी वॉज अराउंड 630th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, 630 नंबर पे थे, 2 साल में वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट बन गए। कैसे? कोई पैसा ला के दिया? जी नहीं, हवाबाजी। शेयर के प्राइजेस इतने बढ़ गए उनके कि उनकी नेटवर्थ बढ़ दी गई। यहां पे कोई है ऐसा जो फोर्ब्स का लिस्ट ट्रैक करता है? फोर्ब्स, मैं आपको बताता हूं, FORBES नाम है उसका, आप लोग देखना उसको, बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा। फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन भी है, उसका ऑनलाइन डेटा भी पब्लिश होता है रियल टाइम में। Forbes, FORBES, ठीक है। जब आप गूगल सर्च करेंगे Forbes रियल टाइम बिलीनियर्स, फिर से सुनिए, Forbes रियल टाइम बिलीनियर्स, तो आपको पता चलेगा कि अभी करंटली जो स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे किसी एक व्यक्ति के नेटवर्थ में क्या चेंज आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? इनफैक्ट एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट थे अभी नहीं है, सेकेंड नंबर पे हैं, और हम लोग बहुत रियल टाइम उसको ट्रैक करते हैं। सेकेंड नंबर पे क्यों आ गए? क्योंकि उनकी जो कंपनी टेस्ला कंपनी यूएस में लिस्टेड है, उसकी एक शेयर की कीमत $400 चल रही थी, वो 400 से टूट के शायद 170 के आसपास आ गए, 180, चलो 180 आ गई। 400 से टूट कर अगर 180 आ गई है तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे देगा? उनकी नेटवर्थ पे, क्योंकि उनके पास भी तो शेयर्स मौजूद हैं। तो मेरे पास अगर मेरी कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं, कल उसकी वैल्यू 400 रुपए थी, आज 180 आ गई है, जब शेयर की प्राइसेस गिरी तो मेरी नेटवर्थ भी तो गिरी, जब शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी तो मेरी नेटवर्थ भी तो बढ़ेगी, समझ रहे बात? तो जब आप गूगल सर्च करेंगे Forbes रियल टाइम बिलीनियर्स, गूगल सर्च जब आप करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है,
उसकी नेटवर्थ कितनी है और आज के दिन उसकी नेटवर्थ में कितनी पॉजिटिव, मतलब कितना वो बढ़ा है या कितना घटा है। लेट सपोज अगर आपको किसी का दिखता है कि यार इसका ना $5 बिलियन से नेटवर्थ ऊपर बढ़ गया, $5 बिलियन से नेटवर्थ बढ़ गया, इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि इसकी जो शेयर मौजूद थी मार्केट में वो भी बढ़ी है, और वो बढ़ी है तब जाकर इसका नेटवर्थ ऊपर आया है। समझ रहे हैं बात? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सब ना जो दिखता है $100 बिलियन 200, सब हवाबाजी है, सब शेयर्स का खेल है, और इनके पास, इनको मजबूरन शेयर्स में ही अपनी नेटवर्थ दिखानी है। कैश में दिखाएंगे ना सरकार नोच देगा, ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, चूंकि ये शेयर्स में रखते हैं दे आर ऑल सेफ। इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर परचेस किया, पता है सबको, ठीक है, कैश देकर परचेस किया क्या? न्यूज देखिएगा, उनके पास जो टेस्ला के शेयर्स थे उससे उसको बेचकर जो पैसा आया तब जाकर, क्यों, कैश अगर पड़ा हुआ था तो कैश ही खरीद लेते, शेयर्स क्यों बेचे, कैश नहीं पड़ा रहता है। सब बिलियनर्स के पास शेयर्स मौजूद है, सिंपल। अच्छा, इसमें आप एक ये भी कह सकते हो कि हाँ कैश क्यों रखेंगे, इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, तो भाई शेयर्स में ही रखो, अगर मैं ग्रोथ करूंगा शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मेरा उसी से कमाई हो जाएगा, कैश क्यों रखना, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या था, मुकेश अंबानी 2015 2015 में इनकी नेटवर्थ थी $20 बिलियन 20 बोलो 22-23 भी देखा है हमने 2015 के आसपास। 2019 में ये हो गई $60 बिलियन क्यों याद करो, कल कुछ मैंने बताया था, जियो आया था, कब आया था, 16 में, फिर मैंने आपको बताया था ना कि उसका जो शेयर प्राइस एक बार ब्लास्ट किया था, फिर वो 1.5 साल तक एकदम जोरों का भागा, 2000 जब 2000 के आसपास चला गया, कहां से निकला था, 800 से निकला था, 700-800 से निकला था, 400 ठीक है, वो 800 गया, तोड़ते गया, तो उसके बाद भाड़ा, जब वहां उसके शेयर्स की कीमत बढ़ी, इसकी नेटवर्थ 3 गुना हो गई। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरह आपको पता होना चाहिए अनिल अंबानी के बारे में। अनिल अंबानी वॉज, एक टाइम ऐसा था जब वो 6th richest थे इन द वर्ल्ड, जहां ऐसा बोला जाता था, मार्केट में माना जाता था, मैं तो उस टाइम मार्केट में था भी नहीं, ऐसा माना जाता था कि अनिल अंबानी जिस कंपनी में हाथ रख दिया वो सोना बन जाता था, ठीक है, इट वाज द 6th richest इन द वर्ल्ड, शेयर की प्राइसेस 400-500। आज पता है वही कंपनी जो 400-500 रुपए की थी ना, 3-4 रुपए 20 रुपए 25 रुपए पे आ गई है सब। अब कोई नाम लेता है अनिल अंबानी का? नाम लेंगे आपको खराब नजर से देखेगा, ठीक है। तो इनकी नेटवर्थ 2008 में, मैं बता रहा हूं, अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी $42 बिलियन, ठीक है, आज कितनी है, $109 मिलियन, बिलियन छोड़ो मिलियन पे आ गए, 109, हो सकता है कुछ साल बाद मैं ही उनसे अमीर हो जाऊं, एक बात कर रहा हूं, ठीक है। रीजन क्या, उनके पास कैश घट गया? नहीं, सारे चीजें, सारी पोर्टफोलियो उनकी शेयर्स में मौजूद थी, शेयर्स जब 500 पे था तो बड़ा मक्खन मारा, आज जब शेयर की वैल्यू ही गिर गई तो उनकी नेटवर्थ भी नीचे आ गई, सिंपल। जितने भी बिलियनियर्स हैं आप उनको ऐसे ही देखोगे, सब लोग शेयर्स में रखते हैं पैसा। इसलिए मैंने वही चीज बताई ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो लोग साउंड करना चाहते हैं अपनी कंपनी का, और उसका एक ही सार है कि कैसे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करें, और वो कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब शेयर का वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा। तो एकमात्र मुद्दा वही होता है कि कैसे शेयर का वैल्यूज मार्केट में बढ़े, तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ वही है। कंपनीज पूरी कोशिश करते हैं कि कंपनी पे आंच ना आए, मेरी नेट जो कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, यार 5-10-20-50 रुपए उतना चलता है, ठीक है, लेकिन आधा हो जाए तो कंपनी को जवाब देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। और ये सेबी का रूल है जो मैंने बताया था कि आपको अगर मार्केट में आना है, लिस्ट कराना है अपनी कंपनी को, तो अपना एटलीस्ट 25% जो हिस्सा है वो मार्केट में देना ही पड़ेगा। चलो एक बार में ना दो, हो सकता है मैंने 20% ही मार्केट में दिया, लेकिन सेबी के बाद एक सेबी का एक लेटर आ जाएगा कि भैया इतने दिन में जो 5% और आपके पास पड़ा है ना, आपने तो 20% डाइल्यूट किया है मार्केट में, 5% अभी और बाकी है, वो 5% भी आपको बेचना है, वो नियम होता है, ठीक है। तो आप उसके बाद कंपनीज क्या करती है, एक बार के लिए लिस्ट कर दी मार्केट में, फिर कुछ महीनों के बाद 5% और मार्केट में दे देती है जनरल पब्लिक को, ऐसे करके हिस्सा खत्म दिया जाता है मार्केट में।
अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मार्केट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी अगले 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा जो मैंने बताया था ना, आप लोग जो पढ़ते हो फोर फीचर ये वो, ठीक है, कोई काम नहीं है, अभी कंप्लीटली दूसरा कॉन्सेप्ट है और यही रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। बुक में आप जो पढ़ो एग्जाम तक ठीक है, रियल लाइफ जब आप जॉब करने जाओगे बुक लेकर, बुक की नॉलेज लेकर, कौन एंटरटेन करेगा? तो आपको रियल लाइफ से जुड़ना पड़ेगा। अब आपको 10 अगले 10 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि जो बुक पढ़ रहे हैं ना एक बार लगे क्या ही पढ़ रहे हैं। चलो देखो स्टेजेस ऑफ मार्केट, कंपनी पैसा रेज कैसे करती है, सिंपल चीज, दो स्टेज होते हैं मार्केट के, एक हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, कुछ भी मैच नहीं करेगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि क्या आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी मैच नहीं करेगा आपके बुक से, और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, अगर प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी आती है शेयर लेकर तो पब्लिक बाय शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, मतलब जब आप प्राइमरी मार्केट के थ्रू आते हैं पैसा रेज करने, ठीक है, तो जो हम जनरल पब्लिक हैं वो कंपनी से डायरेक्टली वो शेयर्स परचेस करती है। मगर सेकेंडरी मार्केट, नाम आप कह लो सेकेंड हैंड कह लो जो भी कह लो, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हम और आप बाइंग सेलिंग करते हैं अपने में, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए ये समझ लो, अगले पेज में जैसे चलेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट में कंपनी आई कि भाई ये मेरी कंपनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतना हिस्सा मुझे देना है, तो हम जब अभी जो डील कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंपनी से कर रहे हैं, पैसे पकड़ो शेयर्स दो, कंपनी से मिला हमें। लेकिन जैसे वो एक बार ये प्रोसेस खत्म हो गया, अब वो कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे हम और आप डील करते हैं। हो सकता है मैंने अभी 100 शेयर्स बेचे तुरंत और इंस्टेंटली आपने खरीदा 100 शेयर्स, तो ये जनरल पब्लिक के बीच में बाइंग सेलिंग हो रही है, अब कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए वो प्राइमरी वाले को हम लोग न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट कहते हैं, समझे, बिल्कुल न्यू इशू मार्केट भी। इसीलिए मतलब कोई भी कंपनी है ना, अगर पहली बार अपने नए शेयर्स को निकाल रही है तो जिस मार्केट के थ्रू वो उसको इशू करेगी तो वो प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, लोग एक दूसरे में, जैसे पहली बार अभी कौन सा तुम बता रहे थे, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल का, तो न्यू इशू मार्केट में पहली बार शेयर्स निकले, मान लो हम सभी जो क्लास में सबने खरीद लिए, तो हम लोगों ने न्यू इशू से खरीदे, फिर के आपस में हम लोग अब उसको खरीद बेचना शुरू करते हैं, तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये जो अंकित कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, ये स्टॉक मार्केट का पिलर है कि आखिर पैसा कैसे एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और जो प्रैक्टिकली इस चीज को कर रहे हैं अंकित कर रहे हैं तो वो रियलाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको बताया था, इसको भूलना मत कभी, खाली स्टॉक एक्सचेंज मत समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में वो डिमार्केशन बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी है, उसको क्या होता है कि उसको भाई पैसा रेज करना है, सिंपल फंडा, पैसा रेज करना है, कंपनी ग्रो करना है, तो अब वो क्या करती है, अब वो निकालती है अपना IPO, पढ़ा है कभी सुना है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, ठीक है, इनिशियल नाम से समझ में आ रहा है कि ये मेरा पहला कदम है मार्केट में, ठीक है, पहला कदम है इसलिए IPO मैं निकालता हूं। अब देखो होता क्या है, पेटीएम का एग्जांपल लो, बर्बाद कर दिया पैसा लोगों का, टू बी फ्रैंक, ठीक है, और कमेंट्री सुनोगे जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है गुस्सा ही आएगा, मन करेगा कि पेटीएम तो एक तो IPO में तो जो पैसा गया ही गया, अगर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल है तो वो भी डिलीट कर देंगे, ऐसा तोड़ दिया पब्लिक का, ठीक है। IPO क्या हुआ, IPO का भाई विजय शेखर शर्मा को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना था पैसा, ठीक है, 2150 रुपए में IPO लाए, 2150 रुपए का IPO प्राइस था, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेबी आप 15,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉट के हिसाब से। याद रखिएगा जब IPO आता है तो एक शेयर आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, आपको एक बंडल ऑफर किया जाएगा, तो वो बंडल जनरली देखा जाता है कि 15,000 रुपए तक में
वो हो जाता है कि आपका एक बंडल अगर आपको लेना है तो आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए का लगेगा ही लगेगा, 15-16 जा सकता है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट लगेगा ही। अब उन्होंने क्या किया, 2150 रुपए में आईपीओ लाया, ठीक है जी, 2150 रुपए में आईपीओ लाया, कितने शेयर्स लेने हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हो सकता है 11 या 12 पीस था, ठीक है, लेट्स सपोज चलो 11 ही मान लो कि भाई आपको 11 क्वांटिटी तो लेना ही लेना है। लोगों ने 11 क्वांटिटी लिया, स्टॉक मार्केट उन्होंने वो आए, ठीक है, ये विंडो जो होता है, ये विंडो शायद होता है 8 से 10 दिन का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन का होगा, अप्लाई कीजिए, अब आपको पता चल जाएगा, टीवी में पब्लिश करने लगेगा, प्रचार पेपर सब जगह छपने लगेगा, इसका आईपीओ आया, आईपीओ आया, आईपीओ आया, मतलब वो कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रही है, आईपीओ मतलब ये होता है फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में उसकी एंट्री हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने लेकर आए शेयर को 2150 रुपए में, अब अपना मर्जी है भाई, आ जाओ 2150 क्या 2 लाख में डाल दो, वो तो मार्केट डिसाइड करेगी कि आपकी औकात क्या है, करेक्ट। तो 2150 में आईपीओ आया, आपके ऊपर पाबंदी आ गई कि भाई 11 क्वांटिटी तो लेनी ही है, बोला ना मैंने एक क्वांटिटी नहीं ले सकते हो, तो ये हम लोग क्या कहते हैं ना कि 11 क्वांटिटी का एक लॉट हुआ, इसको कहते हैं एक लॉट, बंडल कह लो, लॉट कह लो, जो कह लो आप, ठीक है, तो ये एक लॉट के लिए आप अप्लाई करोगे तो 15,000 रुपए लगेंगे मैक्सिमम। हम जनरल पब्लिक जो है वो कितने लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट्स ओनली, 13 लॉट से ज्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते एक आईडी से, फिर आप दूसरे आईडी से मारो, ठीक है। तो वैसे कर करके लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरा 1 रुपया नहीं लगा था, मुझे मतलब मुझे लगा कि बहुत महंगा है, बस इतना ही पता था, इतना जो मैं ये पहले से कुछ प्री बुकिंग भी होती है क्या, बस यही विंडो जो खुलता है उसी में रजिस्ट्रेशन होता है, बुकिंग भी हाँ होती है, होती, ठीक है। 2150 में लाए 11 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट लेकर आए, कोई एक लॉट लगाया, कोई 2 लॉट लगाया, 3 लॉट लगाया, पैसा लगा दिया, अब लगा तो दिए, लेके पैसा तो चले गए। आप आए भैया 10 दिन का विंडो था, आपने बोला ये है मेरा कंपनी, और एक फॉर्म होता है जो सेबी के साइट पे अपलोड होता है, उसको कहते हैं DRHP, वेरी गुड, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कि मैं जो ये पैसा रेज करने वाला हूं इसे मैं करूंगा क्या, तो आप जाके पढ़ लीजिए DRHP कंपनी का, सब चीज समझिए, पैसा क्या देख के लगाइएगा, पेटीएम का नाम सुन के आप देखेंगे कि DRHP में क्या क्या लिखा है, पैसे का क्या करेगा, क्या मेरा पैसा बनेगा जो मैं पैसा डालने वाला हूं, इसका इसके विजन से लगता है कि मेरा पैसा भी बन जाएगा, अगर लगता है तो डालो, डाल दिया जी, DRHP पढ़ लिया, 2150 में लोगों ने डाला, और एक्चुअली में बता रहा हूं बहुत लोगों ने डाला, और बहुत लोगों का पैसा गया है, बहुत लोगों का पैसा ऐसा टूटा है, अभी मैं बताऊंगा सॉरी, 2150 में डाल तो दिया। उसके बाद हुआ क्या, ये करीबन 10 दिन का ये प्रोसेस होता है, 10 दिन में हो गया आपको शेयर्स मिल गया, सबको डीमैट वगैरह में आ गया, सब कुछ हो गया। अब आती है लिस्टिंग की डेट, लिस्टिंग हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक जब लिस्ट होगा, अभी आप कंपनी से डील कर रहे थे, कंपनी से आपने परचेस कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आती है स्टॉक मार्केट की बारी। स्टॉक मार्केट में कोई भी नई कंपनी की लिस्टिंग होती है 10 बजे शार्प, 9 बजे मार्केट खुलता है, कोई भी कंपनी जो अपना आईपीओ को फुल सब्सक्राइब कर ली उसका आपको 10 बजे एग्जैक्टली वहां पे BSE NSE में घंटी बजाकर उसका मतलब होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, पूरा डिस्प्ले चलता है, बड़ा बड़ा पार्टी चलता है वहां पे, ठीक। 2150 में लाए, ये आपका काम हो गया, विजय शेखर शर्मा ने पैसा लिया, इतना पैसा उन्होंने उठाया, इतना शेयर दिया, पैसा लेके चले गए अपना वर्किंग करने। अब आती है स्टॉक मार्केट की बारी, स्टॉक 2150 वाला सीधे लिस्ट हुआ 1900 के आसपास, पैसा गया 10 दिन के अंदर, जिन्होंने 2150 में खरीदा था, डील कर किया था आईपीओ से, पैसा गया 1900, पेटीएम को लिस्ट हुए शायद 1-2 महीना हुआ है या 3 महीना हुआ है, पेटीएम अभी चल रहा है 600 रुपया, बर्बाद कर दिया इन्वेस्टर का पैसा, कहाँ 2150, कहाँ 600 रुपये, ये होता है स्टॉक मार्केट का रियलिटी। आप ले आओ ना आईपीओ 5,000 में ले आओ, क्या दिक्कत है, तो मार्केट डिसाइड करेगी कि आपकी वर्थ क्या है, क्या आपकी वर्थ 5,000 की है, 5 लाख की है, या 500 रुपए की, या 50 रुपए की है। विद इन डेज देखता गया ना शेयर किया, आपको जो पेटीएम का चार्ट मैं यहां नहीं दिखा पाऊंगा, जब आप चार्ट देखोगे ना पेटीएम का, खुलते के साथ लगा कोई खरीदार है ही नहीं, भैया बेचो भागो, नहीं रखना है, बेचते बेचते इतना पैसा तोड़ दिया, 400-500 रुपए तक आ गया पेटीएम। और अब सुनो कमेंट्री उनके कंपनी का, ये होता है खराब कंपनी, खराब मैनेजमेंट, या इसको आप कह लो अगर खराब कंपनी नहीं भी है तो बहुत ही बेतुका बयान,
जो उनके CFO CEO जो लोग भी थे उनका एक कमेंट्री आपको इंटरनेट पे मिलेगा, बड़ा वायरल हुआ था कि हमने तो बड़ा उदारता दिखाया 2150 में लाकर, हम तो और 2400-2500 तक लाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो कुछ शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसा बनाया जाए। आपके भाषण का कोई ये नहीं है, ठीक है, आपका असली जो स्टेटस है वो आपको मार्केट दिखाएगा। तभी क्या होता है, एक स्टॉक मार्केट का लैम्पलाइट तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि अगर आपके कंपनी के अंदर कुछ दाग है, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट के बड़े लोगों से बच नहीं सकते हो। अगर आपके अंदर दाग है तो ऐसे भी आईपीओज आए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं डी मार्ट का, राधा किशन दमानी, फैबुलस पर्सन, ठीक है, डी मार्ट एक कंपनी थी। अब देखो देखो ये हो गया जहां पैसा टूटा 2150 में, जिन्होंने खरीदा एक बार चाहते उनसे बात तो करो, कैसा लग रहा है, इतना गाली दे रहे हैं स्टॉक मार्केट को जिसका हिसाब नहीं है, सर यहाँ तो पैसा डूब गया, ये हो गया वो हो गया। यही बात होता है ना, डिपेंड करता है आप किस कंपनी में पैसे लगाते हो। अब यही आ जाओ डी मार्ट पे, डी मार्ट ने आईपीओ का प्राइस लाया था 299 में आईपीओ का प्राइस लाया था, 2 या 3 साल के अंदर डी मार्ट आपका चला गया था 299 में लेकर आए थे। जिस दिन सर मार्केट में ये लिस्ट हुआ, मतलब इतना डिमांड था, सोचो इतना डिमांड था इस कंपनी का, मतलब लोग को लगा यार क्या यार कूड़े के भाव में कंपनी बेच रहे हैं जो जिन्होंने लेकर आया था 299 में, ठीक है, इतना डिमांड था कि जो 10 बजे BSE में घंटी बजी, अगले 8-10 दिन के बाद जो घंटी बजी, उस टाइम स्टॉक का प्राइस सीधे चला गया 605 रुपए। 10 दिन में पैसा डबल। अच्छी कंपनीज पकड़ना इसी को बोलते हैं, मार्केट को मत गलत बोलो, मार्केट इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट, मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता है, हम और आप गलत हो सकते हैं। अरे हम और आप क्या है, वॉरेन बफेट गलती कर चुके हैं तो फिर हम लोग क्या है, पेटीएम में पैसा लगाए थे वॉरेन बफेट, अभी नहीं बहुत साल पहले उनका पैसा बना, अनिल अंबानी 12 या 13 करोड़ लगाए थे पेटीएम में बहुत स्टार्टिंग में, 200-300 करोड़ रुपए में बेच दिए, तो पैसा बना है। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो तो सीन अलग होता है, सब ये मार्केट की बात नहीं है, अनिल अंबानी जब लगाए थे तो पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ था, जब मार्केट में लिस्ट हुआ तो स्टोरी बहुत अलग हो जाती है। ये मैं डीमार्ट की बात कर रहा हूं, 299 में लेकर आए, 605 में लिस्ट हुआ, 10 दिन में पैसा डबल, और बहुत लोग का शिकायत ये कि यार हमें तो मिला ही नहीं। ऑफकोर्स जितना परसेंटेज वो मार्केट में देने आए हैं वो तो लिमिटेड ही है, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो सबको थोड़ी मिल जाएगा, किसी को मिला किसी को नहीं मिला किस्मत वाली बात है, अप्लाई सब करते हैं, वो एकदम रैंडमली देखा जाता है। अब बताओ कहां गया प्रोराटा, कुछ नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता। कुछ लोग बहुत लोग क्या क्या बोलते हैं कि यार 13 लॉट बोलता है ना अप्लाई करने, सबका अपना अपना ट्रिक है, ठीक है, लेकिन आज तक आईपीओ का कोई ट्रिक नहीं मिला किसी को, कहते तो हैं। अब लोग क्या कहते हैं, 13 लॉट मत मारो, जिसका जिस कंपनी का इतना डिमांड है ना वहां पे फुल 13 लॉट्स के लिए अप्लाई मत कर दो, एक भी नहीं मिलेगा। कुछ कहते हैं यार सिर्फ एक ही लॉट अप्लाई करो मिल जाएगा, सब करके देख लिया भाई नहीं मिलता है, सिर्फ किस्मत वाली बात है, एकदम प्योर किस्मत वाली बात है, मिल गया तो मिल गया वरना गया। तो अगर आपको 10 दिन के अंदर 4 या 5 दिन में आपको पता चल जाता है कि आपको मिला या नहीं, तो जैसे 4 या 5 दिन में जब नहीं मिलता है अगले 2 दिन के अंदर आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, पहले क्या करते थे, 15,000 रुपये आपसे काट लिए, आपने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया था, 15,000 रुपये आपसे काट लिए, 3-4 दिन बाद पता चलेगा आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक। तो पहले क्या करते थे, 15,000 को काट के अपने पास रख लेते थे, और फिर जब नहीं मिलता था तो वो पैसा रिफंड करते थे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस, बहुत खराब होता था। अब क्या करते हैं, ASBA एक प्रोसेस है, बैंकिंग प्रोसेस है ये, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब ये क्या करते हैं कि आपने जो अप्लाई किया ना 15,000 के लॉट, वो आपका पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर देंगे, कट के उनके पास नहीं गया है, आपके ही बैंक अकाउंट में वो पैसा ब्लॉक हो चुका है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। जब 3-4 दिन के बाद पता चलेगा कि आपको मिल गया शेयर, तब तो पैसा कटा और उनके अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है जी। अगर आपको नहीं मिला, किस्मत खराब नहीं मिला, वो जो पैसा आपका जो ब्लॉक किया गया था खुल गया, यूज कीजिए आप अपना पैसा, आपके बैंक अकाउंट में है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, 4 से 5 दिन में हो जाता है। और जब फाइनल हो गया 3-4 दिन में कि हाँ भाई जिनको जिनको डीमार्ट मिलना था मिल गया, उसके 2-3-4 दिन के बाद मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है,
मार्केट में लिस्टिंग हुई, शेयर की ट्रेडिंग शुरू। जैसे ही मार्केट में लिस्टिंग हुई, जो प्राइमरी मार्केट की मैं बात कर रहा था आईपीओ, कंप्लीट प्रोसेस स्क्रैप खत्म। अब कौन सा प्रोसेस शुरू होता है? सेकेंडरी मार्केट। अब वो सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, 10 बजे खुला, 10 बजे आप शेयर खरीद सकते हो अगर आपको आईपीओ में नहीं मिला तो। 10 बजे जो आपने खरीदा, किसे खरीदा? अब जनरल पब्लिक के बीच में ट्रेडिंग हो रही है उसकी। अब मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं, अब ये मार्केट का काम आ गया पूरी तरह से। ठीक है, ऐसी कंपनी थी। टिकट बुकिंग आप लोग करते हो सर? ट्रेन की टिकट आईआरसीटीसी से। ठीक है, तो आईआरसीटीसी का भी आईपीओ आया था। आईआरसीटीसी देखो ये होता है पैसा बनाना, 320 रुपए। अच्छा, डीमार्ट का मैंने बताना भूल गया, 299 का आईपीओ प्राइस था। मार्केट में लिस्ट हुआ 605, इतना रश था, इतना ज्यादा रश, 2 या 3 साल में स्टॉक का प्राइस 3500 3500 4000 भी शायद गया था। डी मार्ट याद रखिएगा, उसका पूरा नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट, दोनों की कंपनी है। इतना शेयर का प्राइस पड़ गया। आईआरसीटीसी 320 में आईपीओ लेकर आया, देखो पैसा कैसे बनता है। 644 में लिस्ट हुआ, 10 बजे अगले 10-12 दिन का जो प्रोसेस होता है, पैसा डबल। अब भाई ये लोगों को बस वही परेशानी रहती है, भाई मिला ही नहीं, तो डबल हो या 10 गुना हो जाए, मेरा तो पैसा बना नहीं। ठीक, तो ये चीज है। अभी शेयर की प्राइस ये हाई कितना मार चुका था शायद आईआरसीटीसी, 978 तो अभी ना चल रहा है। नहीं हाई नहीं, हाई उससे भी ज्यादा ऊपर गया है, मैं कुछ चेक कर बताऊंगा। 1000 से ऊपर गया था, आप ये स्प्लिट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो शेयर तो स्प्लिट की बात थोड़ी मैं कर रहा हूँ, स्प्लिट से पहले गया तो था ना, गया तो स्प्लिट से पहले नहीं, स्प्लिट के पहले बहुत ऊपर तक गया था। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको देखकर बता दूंगा, ठीक है, लेकिन वो 1000 के ऊपर गया था। आईआरसीटीसी पैसा बनाया यार, पैसा बनाया। 320 में लिस्टिंग हुई, 644 में लिस्ट हुआ, सॉरी आईपीओ आया 320 में, कंपनी लेकर आई 320 में, 644 में 10 दिन के अंदर पैसा डबल, और उसके बाद 1000 भी टप गया। फिर अब नीचे ऊपर जो भी है, लेकिन पैसा बना इस आईपीओ में। एलआईसी अभी का लेटेस्ट एग्जांपल, एलआईसी का आईपीओ आया, पता है एलआईसी का आईपीओ शायद 930 के आसपास था, 930 के आसपास आया था, उसने पैसा तोड़ा है, बट है क्या, कंपनी में दम है। 600 चल रहा है शायद अभी करंट रेट, 600 चल रहा है एलआईसी का, बट ठीक है, लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, एलआईसी में दम है यार, एलआईसी में दम है। अब मैं अपनी बात करूं, बोला तो नहीं चाहिए मेरे भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, 900 में तो सवाल ही नहीं होता, आईपीओ में मैं कभी भी हड़बड़ नहीं करता, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, वैसा वाला मैं काम नहीं करता, आईपीओ में चाहिए ही नहीं। एक बार मार्केट में आने दो, आईपीओ में सब कुछ हरा भरा, सब कुछ अच्छा दिखता है, सब सुंदर दिखता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपीओ जब तक आता है, असली कितने पानी में हो ना, वो पता चलेगा जब आप मार्केट में लिस्ट होते हो। फिर मार्केट प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि आपकी वैल्यू इससे ज्यादा थी या इससे नीचे थी। ठीक है, तो 930 में आया, अभी 600 चल रहा है, मैं इसी रेट पर परचेस किया, नॉट अ रिकमेंडेशन, जाके खरीद नहीं लेना, भी मेरी अपनी रिस्क एपेटाइट है। 600 में मैंने परचेस किया, चलेगा यार, 10 साल 5 साल के लिए रखना है, 6 महीने के लिए थोड़ी रखना है, बनाएगा पैसा, 15-20 में डबल भी कर दिया, 100% रिटर्न काफी है, और क्या चाहिए। लेट्स सपोज 5 साल में 100% रिटर्न भी मार दिया, हो गया ना, कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया साल का। अगर मैं साल का देखूं तो 5 साल में अगर डबल हुआ तो हुआ ना जी, हर साल 20% का रिटर्न देते गया, काफी है एलआईसी। ठीक है, कुछ भी बुक से मैच किया, और ये सारा प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, कहीं दौड़ना नहीं, कुछ भी नहीं। जो आप टर्मिनल जिसमें आप काम करते हो ना, उसी पे सब दिख जाता है, कौन कौन सा आईपीओ आया है, कितना अप्लाई करना है, कितना उसका आईपीओ का प्राइसिंग है, कितना लॉट उसका है, मतलब एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स मौजूद हैं, कितना लॉट आप, सब कुछ ऑटोमेटिक है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ सिस्टम में मिल जाता है। ठीक है, अब जब ऐसा ऐसा पैसे की बात है, तो वहां पे कुछ गलत भी हो सकता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, वैसे मार्केट का मॉनिटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पता चला कंपनी पैसा लेकर गई आईपीओ में, लिस्टिंग ही नहीं हुआ, गया पैसा, तो ये सब काम सेबी देखती है। कुछ भी नियम कुछ भी लागू कर देगी, किसी के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन, किसी के ऊपर एक चेक इन करना, चलो यार कंपनी सही वर्किंग कर रही है कि नहीं कुछ, या शेयर होल्डर, जैसे अभी अडानी का शेयर बहुत ज्यादा गिर गया, ठीक है, तुरंत सेबी का ऑर्डर आ गया कि यार चेक करो जाके क्या प्रॉब्लम है उसको, ये है वो है, सेबी देखती है सब चीज को लेकर। ठीक है,
अब आते हैं टॉप ब्रोकर्स, टॉप ब्रोकर्स। अब ब्रोकर समझिए, अभी तक बोल दिया स्टॉक्स खरीदे कैसे, जैसे बैंक से काम करने के लिए आपको बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वैसे ही शेयर्स में काम करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ढेरों कंपनीज है यार, एंजल ब्रोकिंग, एसबीआई कैब, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, कोटक, एक्सिस, ढेरों सारे। मेरा पर्सनल अकाउंट कहाँ है मैं आपको बता देता हूं, बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है ज़ेरोधा, ज़ेरोधा, यहां पे मेरा डीमैट अकाउंट है। 300 रुपए लगता है साल का, मैं तो देता हूं इसको मेंटेनेंस चार्ज के लिए, वरना कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो फ्री में अकाउंट खोलती है। ज़ेरोधा में खोलवाने का अलग पर्पस है, जब आप आगे उसको देखोगे तब समझ में आएगा कि क्यों इसमें खोलवाता हूँ। बहुत अच्छा है, जो इसका इंटरफेस है वो बहुत सूदिंग है, सिंपल है, ठीक है, और इसमें फोड़ा है विदाउट मार्केटिंग। आप वीडियोस देखना ज़ेरोधा सर्च करके जो एनालिसिस करते हैं, विदाउट मार्केटिंग ज़ेरोधा ने जो यूजर बेस बिल्ड किया है, अच्छे अच्छे मतलब ये ना कि कंपनी में डिसरप्शन लाना, इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाना, तो स्टॉक ब्रोकिंग के इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाया है इसने। दो भाई निखिल कामत, नितिन कामत बैंगलोर गए थे, उन्होंने शुरू किया था, दे आर प्रॉफिटेबल, 2090 करोड़ बनाए हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। इनके थ्रू आप काम करते हो। अब देखो काम कैसे होता है, एक है क्लाइंट, ठीक है, इसको इसको शेयर्स खरीदना है, ये क्या करेंगे, ये खोलेंगे ज़ेरोधा में अकाउंट ब्रोकर के पास, अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, और उनका जो टर्मिनल है वो लिंक कहां तक रहता है, वो लिंक होता है एनएससी बीएससी से। जैसे कि ज़ेरोधा में जो डीमैट अकाउंट है उसमें हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं ना ज़ेरोधा में, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल कि ज़ेरोधा पैसा लेके भाग भी जा सकते हैं, नहीं भाग सकते, शेयर्स लेके भी नहीं भाग सकता, सेबी है उसके लिए, ये रेगुलेटेड मार्केट है, वही मैं कह रहा हूँ, ये रेगुलेटेड मार्केट है। क्रिप्टो में आपके साथ ऐसा हो सकता है, सेबी तो सेबी बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करती है भाई, हाहाकार मच जाएगा ऐसा मत बोलो, अरबों रुपए लगा हुआ है लोगों का ज़ेरोधा के अंदर, नहीं लेके भाग सकती है मिस, कोई और नहीं, कोई आप हमें बताओ ना आगे चल के, क्योंकि अगर वो भागी तो सेबी तो लेकिन उसको सेबी सब कुछ कर सकती है, आपका पैसा कहीं नहीं जाना है, वो इतना सिक्योर है पैसा, तो उसको रहता है पैसा, हम ज़ेरोधा के निखिल कामत के बैंक अकाउंट में थोड़ी डाल रहे हैं जो वो भाग जाएगी लेकर, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही प्लस माइनस होगा। हाँ, और जो शेयर्स है ना, डीमैट का बेसिकली जो नाम है डीमेटरलाइज्ड फॉर्म, शेयर्स आर केप्ट इन डीमेटरलाइज्ड फॉर्म, समझ लो कितने शेयर्स आपके पास हैं, कितने आपने बेचे, कितने खरीदे, मींस इट इज अ गेटवे टू योर स्टॉक एक्सचेंज, यू अंडरस्टैंड। अब जैसे इट इज जस्ट लाइक यू नो ये जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे डिस्प्ले में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, यस, लेकिन आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक्ड है, तो पैसा आपने कुछ अगर ऑर्डर प्लेस किए तो शेयर्स भी बस वैसे ही है, शेयर्स डिस्प्ले में है, समझ लो दैट इज द फ्लिपकार्ट ऑफ यू नो शेयर्स, यू अंडरस्टैंड, इट इज दैट वे। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बताऊं या इसके बाद बताता हूँ, आप बताइए, अंकित बताएंगे उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। जो ये ज़ेरोधा मैंने बताया, इसका आप मोबाइल वर्जन, वेब वर्जन जो आप चेक करते हैं वो ज़ेरोधा के नाम से नहीं दिखेगा, वो दिखता है आपको काइट के नाम से, नाम है, उन्होंने नाम रखा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, काइट नाम से ज़ेरोधा का अकाउंट। और ये लिंक जो रहता है, ये जो काइट है, ये लिंक किससे रहता है, एनएससी बीएससी से, जहां से इसको लाइव शेयर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बताया ना, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो क्या करते हैं, लिंक जो अपना ट्रेडिंग आपको करने देते हैं, ये एक गेटवे है, आप ये समझ लो ज़ेरोधा इज जस्ट अ गेटवे फॉर अ जनरल पर्सन। जैसे आपको शेयर परचेज करना है, आपको बॉम्बे नहीं जाना है, बीएससी में जाके बाहर खड़े होकर बोलोगे यार मेरे पास 1000 रुपए ले ले शेयर दे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो बीच का जो गेटवे है, एक जो ब्रोकर है जो हम कहते हैं, उसके थ्रू आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब जब आप ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाइएगा, पैसा तो देना पड़ेगा। देखो ज़ेरोधा डिसरप्शन कैसे किया, पहले क्या होता था, बहुत पहले
ब्रोकर्स पहले कमाते कैसे वो समझ लो। आपने 1000 रुपए में शेयर खरीदा, 1000 रुपए में 1000 शेयर खरीदा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल बाद 1000 शेयर बेचा, ठीक है। ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं है, आप 100 करोड़ कमा रहे हो, 500 करोड़ कमा रहे हो, या आपका सारा घर बार बिक गया। ब्रोकर को मतलब है कि जब आपने 1000 शेयर परचेज किया था उसका एक परसेंटेज उसको दे दो एज अ ब्रोकरेज। सेम केस जब आप 1000 शेयर बेचने जाओगे उसका एक परसेंटेज दे दो आप उसको एज अ ब्रोकरेज। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपने जो 1000 शेयर खरीदा था, 1000 शेयर बेचा था, इसमें आपने 1 करोड़ कमाया है, 100 करोड़ कमाया है, 500,000 करोड़ कमाया है, या कुछ भी नहीं कमाया या लॉस किया है, उसको से कोई लेना देना नहीं है। जब आप परचेज कर रहे हो, आपने उसका प्लेटफॉर्म यूज किया है, आप उसको एक परसेंटेज दे दोगे छोटा सा, और यहां जब आप 1000 शेयर बेच रहे हो आप दे दोगे परसेंटेज छोटा सा, काम खत्म, उसका काम वो खुश। ज़ेरोधा ने कैसे डिसरप्ट किया इंडस्ट्री को, अब ये देखो। ज़ेरोधा ने बोला भाड़ में गया परसेंटेज, कोई लेना देना नहीं है मुझे, मुझे चाहिए 20 रुपए बाय साइड, 20 रुपए सेल साइड। आप 10 शेयर खरीदो, 100 शेयर खरीदो, 1000 खरीदो, 10,000 खरीदो, या 1,00,000 खरीदो, जो एक्स फिगर, जो शेयर जितना क्वांटिटी खरीदना है खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे 20 रुपए फ्लैट 20 रुपए चाहिए बाय साइड। जब आप बेचने जाओगे तो फ्लैट 20 रुपए चाहिए मुझे सेल साइड। बस यही उसका स्ट्रेटजी था जो आज उसको बनाता है इंडिया का लार्जेस्ट एक्टिव यूजर बेस ब्रोकर। आज ज़ेरोधा के अंदर जितने क्लाइंट्स हैं बाकी किसी भी ब्रोकर के पास इतने क्लाइंट्स नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ डिसरप्शन। सेशन के बाद मैं आपको दिखला भी दूंगा कुछ, जो मेरे क्लाइंट्स के पास कुछ पोजीशंस जो पड़े हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगा कि ज़ेरोधा में कौन कैसे कितनी क्वांटिटी होल्ड रखा है, कितना इजी है सब कुछ, इतना इजी है। मैं बोला ना बुकिश जो आप पढ़ रहे हो 1% मैच नहीं करेगा प्रैक्टिकल से। जो प्लेटफॉर्म में आपको दिखाऊंगा, मैं आपको लैपटॉप में भी ऑन करके दिखा दूंगा, 5 मिनट में समझ जाएंगे आप वर्किंग कैसे करता है ज़ेरोधा। कोई हार्ड वर्क यार अब के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म खोल के भी दे दूंगा ना, खुद से आप देख लोगे कितना बच रहा है अभी, अभी तो टाइम भी है, ठीक है। तो एक काम करना, साढ़े अभी कुछ समय पहले, एक मिनट, 147 हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, एक और स्लाइड है उसके बताने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। लाइव मार्केट है, मेरे पास एक अकाउंट भी रेडी है, आप लाइव उसमें बाय सेल करके भी देख लेंगे कैसे करता है। ज़्यादा हाथ कर नहीं मार देना, मेरा चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल आप सीख सको, आपको सब कुछ बोला ना 5 मिनट काफ़ी है, 5 मिनट सीखने के लिए काफ़ी है कि एक जो टर्मिनल है वो कैसे काम करता है। लाइव दिखेगा आपको किसी भी शेयर का प्राइस कैसे क्या काम कर रहा है, 3:30 तक मार्केट चलता है। मैं आपको प्रैक्टिकली सबको दिखा सकता हूँ। हर एक मेंबर, ज़्यादा मेंबर यहाँ पे अभी है नहीं, हर एक मेंबर ट्रेडिंग कर सकता है अभी, ठीक है। चलिए दूसरे स्लाइड में आते हैं, बस खत्म ही हो चला ये स्लाइड। डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये बताने का तो कुछ खास है नहीं, CDSL NADAS का कोई काम नहीं है। क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज आ जाइए, आखिरी स्लाइड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो आप सुनते हैं कि किसी कंट्री को या किसी स्टॉक को एजेंसीज जो होती है वो अपग्रेड या डाउनग्रेड करती है, जिसके बेसिस पर उस स्टॉक में पैसा आ भी सकता है, उससे पैसा निकल भी सकता है। हर एक कंपनी डरती है कि भैया ऐसा कुछ काम ना कर दो कि कोई बड़ी एजेंसी जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रही है, हर सेकंड आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, वो आपके अंदर कुछ ऐसा ना निकाल दे कि यार कोई सो गड़बड़ है। जैसे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अडानी पे, हिंडनबर्ग की कंपनी थी US की, 5 लोग बैठे हुए थे, फोड़ के रख दिया अडानी को, सोचो, ठीक है। उल्टा अब अलग बात है, ये फोड़ रहा है, बट हाँ तोड़ा ना भाई, सेकंड नंबर से टॉप 20 से आपको बाहर कर दिया, एक रिपोर्ट निकाला। यही होता है एजेंसीज का काम होता है, एजेंसीज का यही काम होता है कि आप कैसे किसी कंपनी में कुछ खराबी अच्छाई निकालते हो, उसके वजह से आप उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हो। लेट्स सपोज कि कंपनी का शेयर था 500 रुपए, आपने बोला यार
कंपनी में तो ये चेंजेस होने वाला है, रिपोर्ट निकलता है ठीक है, कंपनी में ये चेंजेस होने वाला है, तो मुझे लगता है मतलब कंपनी को लगता है कि ये जो 500 रुपए का शेयर है इसको हमें अपग्रेड करना चाहिए, तो वो अपग्रेड करेगी, पहला वो उसका टारगेट अपग्रेड करेगी, उसके बाद बोलेगी कि ये शेयर 900 तक जा सकता है, उनका बस यही काम है दिन भर रिपोर्ट पब्लिश करना, एक रुपया नहीं लगाता है कोई ठीक है। दूसरा देखो, या तो इसको क्या कर सकती है कि हाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ, कंपनी ने कुछ काम अभी किया था उसके बेसिस पर रिपोर्ट निकालता है ठीक है, उसके बेसिस पर रिपोर्ट निकाल देगी कि ठीक है यार जो इन्होंने भी कुछ चेंजेस किया है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं ना, हम अपना जो रिपोर्ट है उसमें हम देते हैं कि मेरा न्यूट्रल रेटिंग है ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है, या फिर सबसे डेंजरस अगर आपको डाउनग्रेड कर देते हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद डाउनग्रेड हुआ था अडानी का शेयर, अच्छी अच्छी कंपनी बोलते ना एक जगह ढोल बजा उसके बाद सब बजाना शुरू करेंगे ठीक है, तो वहां से खराब खबर, वहां से खराब खबर, वहां से खराब खबर, सब कंपनीज आ गई, हाँ हम भी डाउनग्रेड करते हैं डाउनग्रेड करते हैं डाउनग्रेड करते हैं, उससे होता क्या ना सेंटिमेंट खराब होता है और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, सेंटिमेंट खराब होगा आपका शेयर आ जाएगा कह देगा कि यार हम डाउनग्रेड करते हैं और हमारा नीचे का टारगेट है 100 रुपए, लो जी बैठे बैठे बैठ बजा दिया, ना एक रुपया डाला ना कुछ किया, एक रिपोर्ट पब्लिश कर दिया हो गया। लेकिन अगर आप इसको डे टू डे टर्म्स में बोलोगे, कुछ कंपनीज का छोड़कर, कुछ रेटिंग एजेंसी का छोड़कर, सब बकवास होता है ठीक है, अगर आप 500 रुपया चल रहा है वो अपग्रेड करके बोल देती है 900 रुपया जाएगा ना, मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगा, भरोसा ही नहीं है लोगों पर, जाता भी नहीं है, जरूरी नहीं चला ही जाए ठीक है। चलिए ये स्लाइड होता है एंड, आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं अब सब कुछ, एक ये सेशन बंद कर दीजिए बस।